ड्रीम्स यानी कि सपने, इन्हें पूरा करना आसान नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित माहेश्वरी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड फिटनेस लवर। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की इस वीडियो में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं फैट लॉस जर्नी कर रहा हूं, और पिछले वीडियो में आपने देखा था मेरा वेट 82.5 केजी था, और आज जो मेरा वेट है वो 79.5 केजी है। ये ट्रांसफॉर्मेशन हम 3 महीने में करेंगे, और मेरे साथ में हैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल जी, जो मेरे जिम पार्टनर हैं। हम दोनों मिलकर वर्कआउट करते हैं, और आज जो स्पेशल ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहे हैं वो है GVT, जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग एक्सरसाइज। हम कैसे परफॉर्म करेंगे, उससे पहले हमें कैसे वार्म अप करना है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। मैंने 10 मिनट का साइकिलिंग वार्म अप किया है, जिससे मेरी बॉडी एक तरह से हीट हो गई है। अब हम परफॉर्म करेंगे अपनी एक्सरसाइज को, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला सेट हम जो करेंगे GVT ट्रेनिंग से पहले, हम बॉडी को अपने सारे पार्ट्स को मोबिलाइज करने के लिए विदाउट वेट, जो भी हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उसी परफॉर्म करने के लिए उस एक्सरसाइज को पहले विदाउट वेट करेंगे। तो सबसे पहली एक्सरसाइज GVT में हम परफॉर्म करेंगे डिक्लाइन बेंच प्रेस। उस पार्ट को मोबिलाइज करने के लिए पहले फ्लैट बेंच के ऊपर एक वार्म अप सेट लेंगे। सर प्लीज, तो इस वार्म अप सेट के अंदर हमें क्या करना है, हम आपको 40 से 50 रैप विदाउट वेट के अंदर इसको करेंगे, ताकि जो पार्ट्स का जो भी पार्ट हम परफॉर्म करने जा रहे हैं उसके अंदर इंजरी के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाए, आपके पार्ट्स मोबिलाइज हो जाएंगे और इंजरी के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर रह जाएंगे। जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग का हम फर्स्ट सेट जो कर रहे हैं वो है डिक्लाइन बेंच प्रेस। ध्यान रखिए, आपकी जो वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी है, जिसमें आप 1 रैप में मैक्सिमम वेट लिफ्ट कर सकते हैं, उसका 60% वेट आपको यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर हम करेंगे 10 रिपीटेशंस के, 10 सेट्स के 10 रिपीटेशन। फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग जो है वो इस तरह से डिजाइन की गई है, इसमें आप अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से पंप कर सकते हैं। दोस्तों, सेकंड एक्सरसाइज जो हम परफॉर्म करेंगे वो है पैक फ्लाई। GVT के सेकंड इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर हम चेस्ट के मिडिल पार्ट के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, और किस तरीके से परफॉर्म करनी है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, आप इसमें बताएंगे। स्टार्ट प्लीज। पहले ये जैसे बताया, आपको अपने मैक्सिमम वेट का 60% वेट लेना है, जिसमें मैक्सिमम में एक सेट आप परफॉर्म कर सकते हैं उसका 60% लेना है, और 10 रैप परफॉर्म करने हैं। स्पाइन इरेक्ट रहेगी, और आपको पूरा जो कॉन्सेंट्रेशन है अपने चेस्ट के मिडिल पार्ट पर रखना है। तो फ्रेंड, GVT का ये हमारा 7 सेट है, और आप देख रहे हैं 7 सेट तक पहुंचते बॉडी कितनी ज़्यादा पंप हो जाएगी, और मसल जो होगा वो एकदम फटीक लेवल पर होगा। 1 से लेकर 7 सेट तक जब आप आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आगे आने वाले सेट मेरे लिए बहुत टिपिकल होने वाले हैं, लेकिन 8th, 9th और 10th तक आते आते आपकी बॉडी जो है उसको माइंड जो है उसको अडॉप्ट कर लेगा, और आपको लास्ट के सेट बहुत ईजी लगने लग जाएंगे। ये बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है आपके कंप्लीट कोर के लिए, इफेक्टिव एक्सरसाइज है आपके मसल को एकदम पंप करने के लिए। तो फ्रेंड्स, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये GVT का एडवांस मॉडिफाइड वर्जन है, जिसने हमने कई एक्सरसाइज को मॉडिफाई करके एक कंप्लीट नया वर्कआउट शेड्यूल बनाया है। दो एक्सरसाइज जो हमने परफॉर्म किया वो चेस्ट की थी, साथ में हम मिक्स करेंगे बैक की एक्सरसाइज, और यहाँ पर बेंट ओवर हो, यहाँ पर ये एक्सरसाइज परफॉर्म करने जा रहे हैं। यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना है 10 रिपीटेशन के 10 सेट्स, और 60% ऑफ द स्ट्रेंथ, जितना वेट आप लिफ्ट कर सकते हैं सिंगल सेट में, सिंगल रैप में, उसका 60% वेट आपको यहाँ पर लगाना है। चलिए शुरू करते हैं। आपकी स्पाइनल कॉर्ड एकदम स्ट्रेट रहनी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, परफेक्ट। जो हम परफॉर्म करने जा रहे हैं वो है क्लोज लिप लेट पुल डाउन। आपको ध्यान रखना है आपकी स्पाइन लिप रहेगी इसके अंदर, क्लोज लिप करनी है इसके अंदर, और अपनी 100% कैपेसिटी का 60% वेट लेना है, और 10 सेट 10 रैप इसके अंदर परफॉर्म करना है।
फ्रेंड्स अब हम परफॉर्म करेंगे चेस्ट की लास्ट एक्सरसाइज, जहां पर आपको जो वेट कैपेसिटी है 60% लेनी है, और यहां पर हम करेंगे 5 sets of 5 repetition. ध्यान रखिए एक्सरसाइज बहुत प्रिसाइज होनी चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, और आपका जो बॉडी पॉस्चर है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है बिल्कुल स्ट्रेट और यहाँ पर आर्क होना चाहिए. तो देखिए इस बार, यस, 1, 2, 3, 4, 5, रखो. गुड. बैक की हम लास्ट एक्सरसाइज करेंगे जिसमें 5 sets, 5 reps लेंगे. फ्रंट ग्रिप लेट पुल डाउन, ग्रिप आपको क्लोज पकड़नी है इसके अंदर, और फ्रंट से आपका हैंड रहेगा इसमें, और प्रिसाइज मूवमेंट लेनी है, स्पाइन ग्रिप रहेगी आप. सारी एक्सरसाइज खत्म करने के बाद एब्स का वर्कआउट करेंगे. इसके लिए हैंगिंग लेग रेजेस, हैंगिंग लेग रेजेस के हम 15-15 रैप्स के 10 रैपिड सेट्स निकालेंगे इसके अंदर, और प्रिसाइज मूवमेंट करनी है, स्पाइन ग्रिप रहेगी इसमें, और प्रिसाइज मूवमेंट करनी है पूरी इसकी. तो फ्रेंड्स ये था जीबीटी का मॉडिफाइड वर्कआउट जिसमें हमने चेस्ट और बैक की एक्सरसाइज को परफॉर्म किया. नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम 4 तरह के डिफरेंट वर्कआउट के बारे में बात करेंगे. मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी, मैं योगेश अग्रवाल, हम आपके सुनहरे भविष्य की कामना करते हैं. जय हिंद, जय भारत.